Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार paisabazaar.com और कर्नाटक बैंक ने पैसा बाजार प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को होम लोन के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी के माध्यम से उपभोक्ता अब पैसा बाजार प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर्नाटक बैंक से होम लोन का चयन और आवेदन करने में सक्षम होंगे। paisabazaar.com अपने होम लोन के उत्पाद के लिए 30 भागीदारों के साथ कार्य करता है, जिसमें भारत के सबसे बड़े निजी और सार्वजनिक बैंक और HFC शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने हर्षवर्धन श्रृंगला को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। श्रृंगला वर्तमान में बांग्लादेश में उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। वरिष्ठ अधिकारी प्रणब कुमार दास को अप्रत्यक्ष करों के लिए शीर्ष नीति बनाने वाले निकाय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विशेष सचिव और सदस्य CBIC में दास एस रमेश का स्थान लेंगे। दास 1983 बैच के सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कैडर के IRS अधिकारी हैं, जिन्हें 2017 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड में अध्यक्ष रूप नियुक्त किया गया था। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने घोषणा की है कि सर्बिया के नोवाक जोकोविच और रोमानिया की सिमोना हेलप को 2018 ITF विश्व चैंपियन के रूप में नामित किया गया है। जोकोविच 36 बार यह सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, जबकि हेलप के लिए यह पहला अवसर है। जोकोविच ने विम्बलडन और US ओपन समेत 4 खिताब जीते हैं और रैंकिंग में नंबर 22 से बढ़त लेते हुए वर्ष के अंत में विश्व नंबर 1 की स्थिति को सुरक्षित किया है। हेलप ने 2018 में ग्रैंड स्लैम की सफलता का भी आनंद लिया। रोलैंड गैरोस ने अपना पहला प्रमुख खिताब और ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में अपना नाम दर्ज किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को दुनिया भर में आयोजित किया जाता है। यह विविधता में हमारी एकता का जश्न मनाने और एक दिन सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। एक अनुभवी खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता अनुप ने 2006 में श्रीलंका में दक्षिण एशियाई खेलों में अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरू किया था। उन्होंने एशियाई खेलों में भारत को स्वर्ण पदक जिताया और वह उस टीम का हिस्सा थे जिसने 2014 के संस्करण में इस खिताब को दोबारा अपने नाम किया। 37वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप पुणे में सेना रोइंग नोट में शुरू हुई। पूरे देश में विभिन्न रोइंग संघों में लगभग 500 रोवर्स और कोच चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 41,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। राज्य की उनकी सबसे लंबी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण में सार्वजनिक बैठक में 2 महत्वपूर्ण मेट्रो कॉरिडोर के लिए आधारशिला रखी। रणवीर दंड संहिता RPC की धारा 354E के तहत जम्मू कश्मीर में प्रभावशाली पदों पर आसीन व्यक्तियों, जिम्मेदार व्यक्तियों या जन सेवकों द्वारा महिलाओं के यौन शोषण पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।